स्वागत है दोस्तों आपका एक नए दिन में। और आज बहुत ही बढ़िया मौसम है, बहुत ही ज़बरदस्त धूप है जिसकी हमें लगातार आवश्यकता रहती है। पिछले वीडियोस में आप मेरे देखते रहते होंगे कि धूप की ज़रूरत हम लोगों को कितनी है, मुझे ही क्या हर किसान को, क्योंकि लगातार आती हुई बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है। और अभी इस बार हमारा पराल बिल्कुल भी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत ही पराल हुआ है गायों के लिए, जो कि बहुत परेशानी की बात हो सकती है। आप देख सकते हैं मेरे सामने इतनी सारी गाय हैं और ये ज़रा सा थोड़ा बहुत ही पराल बचा हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं पराल लेने के लिए। हमारे पड़ोस में जो अंकल हैं ठेकेदार साहब, उन्होंने धान काटा था और वो धान का जो पराल है वो मैं पराल लेने के लिए अभी जा रहा हूँ। तो वहाँ सुबह से ही लोग लगे हुए हैं, 4-5 लोग लगे हुए हैं, मम्मी भी वहीं हैं, तो ट्रॉली वहीं लगी है। अब मैं जा रहा हूँ पराल लेने के लिए। और आज श्राद्ध है हमारे ताऊ जी का, तो इसलिए अभी तक नाश्ता भी नहीं करा, तो दिन में भोजन वहीं होगा। तो अभी मैं जाता हूँ फटाफट से। एक ट्रॉली तो भर चुकी है पराल की, यहाँ पे एक ढेर था जो कि यहाँ ठेके में खेत लिया है रामचंद्र जी ने, जिन्होंने कि हमारे पड़ोस में भी खेती कर रखी है, तो ये उनका पराल है। एक ये है और एक अभी पीछे है जो कि काफ़ी पीछे आपको दिख रहा होगा। तो पहले ये भर जाता है, इसको लेके जाते हैं, इसको खाली करते हैं, फिर उसके बाद वो वाला लेके जाते हैं। एक ट्रॉली चले गई है और ये दूसरा जो ढेर था उसको फैला के रखा हुआ है। गर्मी बहुत पड़ रही, तो सभी लोग ट्रॉली के नीचे छाया में बैठे हुए हैं। मनोज भाई कहाँ जा रहे हैं? मनोज को बुखार आ रहा है, ठंडा गर्म लग गया मनोज को, रम पिएगा तो ठीक हो जाएगा। वही तो पीता, वही पी के तो रहो। ये सारा पराल गीला था, अभी इसको फैलाया, सूखेगा तो एक आध घंटे बाद जब सूख जाएगा तभी भरना चालू करेंगे। मैं जाता हूँ अभी आगे भैंसों का दूध देने के लिए। आप लोगों ने नाप दिया भैया? वेरी गुड, आई लाइक इट। तो दोस्तों चलते हैं आगे और भैंस का दूध लेके निकलते हैं घर की तरफ। हाँ सर, कुछ कह रहे थे अभी, आप बोलेंगे? आपका नाम? नाम तो बताइए। सुहेल, गुड। पिता का नाम? अतीक अंसारी, वेरी गुड। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सेवन्थ। कौन कौन से विषय हैं आपके? पता नहीं। पता होगा, पढ़ाई में तो अच्छा लग रहा है। नहीं पता। पहाड़े आते हैं? नहीं आते। जोड़ घटाना आता है? हाँ ये आता है। और लॉसो और मोसो निकालना आता है? हाँ लॉसो निकालना आता है। वेरी गुड बॉय, फिर तो आप बहुत समझदार हो। पाइथागोरस प्रमेय आती है आपको? नहीं आती, तो मेरे दिमाग ही में नहीं आया। चलो आपके दिमाग में हम बैठा देंगे अगर आप हमसे मिलते रहेंगे तो। ये बहुत ही होनहार बच्चा है सुहेल, और देखिए इसके गुरु ये बैठे हैं सामने। हो कहाँ गए? ये देखो वो दो उधर छत में बैठे हैं, देखो वो देखो वो। गुड, कहाँ जा रहे हैं? एक ही आ रहे हैं इनके गुरु, एक ही गुरु आ रहे हैं इनके, ये भी आ, ये एक ये हैं गुरु। ये देखो स्टाइल यहीं से सीखी है ना, स्टाइल ना। तो दोस्तों शाम का बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होता है यहाँ दोस्तों के साथ। बस अभी एक जन और बचे हैं जिनका दूध नापना बचा है, उसके बाद हम चलते हैं। गुड बेटा, पढ़ाई भी करा करो, ठीक है? पढ़ाई में ध्यान दो। देखो दोस्तों आप खुद समझो कि इसके अंदर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है बच्चे के अंदर। कैमरे से बिल्कुल भी ये शर्मा नहीं रहा है और जो इसके मन में आ रहा है बिंदास बोल रहा है। ऐसे ही अगर ये पढ़ाई में भी बिंदास रहे तो बहुत आगे तरक्की करेगा। वाकई में ऐसे बच्चों को ज़रूरत है अच्छे ट्यूटर की, अच्छे गाइड करने वाले की। देखिए इसके चेहरे के आप एक्सप्रेशंस को देखिए, हर सेकंड के बाद बदलते जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हो गई है काफ़ी रात और हमने धुआं लगा रखा है और आप देख सकते हैं हमारी सभी गौ माताएं यहाँ पे आराम से बैठी हुई हैं। धुआं आ रहा है तो मच्छर और मक्खियाँ और डांस नहीं लग रहे हैं, तो सभी यहाँ पे आराम से बैठी हैं, कुछ खड़ी हैं लेकिन पहले की तरह परेशान नहीं है। और जब मच्छर और मक्खियाँ नहीं होते हैं तो गायों के दूध उत्पादन में भी काफ़ी बढ़ोतरी होती है। सरस्वती, सरस देखो, सरस्वती कैसे देख रही है। अभी सरस्वती ने कंपटीशन में जाना है 2-3 दिन के बाद, शायद 4-5 दिन भी लगे। पंतनगर में किसान मेला लगता है, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे कि पंतनगर यूनिवर्सिटी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में जानी जाती है, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी के लिए जानी मानी है पूरी दुनिया में,
तो वहाँ हर साल किसान मेला लगता है और उसमें पशु प्रदर्शनी भी होती है और कंपटीशन भी होता है। तो इस बार सरस्वती जाएंगी साहिवाल के रूप में वहाँ कंपटीशन में, तो हम देखते हैं इस बार सरस्वती वहाँ क्या करती हैं, क्योंकि बड़की का जाना तो शायद मुश्किल है क्योंकि उनको चढ़ने में परेशानी होगी। तो सरस्वती से हम शुरुआत करेंगे दोस्तों। अभी तक कोई भी गाय नहीं लेके गए आज तक, काफ़ी बार प्लानिंग करी कि हम बड़की को ले जाएं लेकिन सरस्वती जाएंगी इस बार। और बाकी सभी गौ माताएं यहाँ पे आराम से अभी बैठी हुई हैं, कुछ खड़ी हैं। और आज दिन भर बहुत थकान भरा था, बड़ी मुश्किल से पराल फैलाया और फिर राकेश भाई भी आ गए, उनको मैं लेने गया था, उनको लेके आया, फिर उसके बाद ये पराली का ढेर लगाया है। कुछ हमारे पड़ोस के लोगों ने भी मदद करी, सबकी मदद से आज ये कार्य हुआ। अब आजकल हमारी मेन जो तैयारी है, जो फोकस है, वो सरस्वती पे है, क्योंकि सरस्वती ने जाना है वहाँ कंपटीशन में और उम्मीद है हमें सरस्वती से पूरी कि वो अपने साहिवाल जो कैटेगरी है उसमें तो टॉप करेंगी करेंगी, और हो सकता है कि ऑल जो कैटेगरीज है उसमें भी हमारी सरस्वती टॉप लाएं। बस गौ माताओं का आशीर्वाद यूँ ही बना रहे आप सब पे और हम पे भी। गौ माता की सेवा करते रहें दोस्तों और हमारे जो देसी गौवंश है उसके संरक्षण के लिए आगे कदम बढ़ाएं, जितना हो सकता है अपनी तरफ से करें। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और अभी तक खाना नहीं खाया है क्योंकि आज पूरा दिन थकान भरा था। मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो में। राधे राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।